जय हिंद सही भाई को मेरी तरफ से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि मैं आपको अपने वीडियो में बताया करता था कि जैसे मैं अपने वीडियो में आपको मतलब पढ़ाता था YouTube में, जैसे आर्मी का पेपर किस तरह आता है और मैं आपको क्वेश्चंस करवाया करता था कोई से टॉपिक लेकर के, पहले मैं उसको पढ़ाता था ठीक है, फिर उसके बाद मैं उस टॉपिक पर आपको क्वेश्चंस करवाता था और आपको सुनाता था कि टॉपिक कैसा क्या होता है ना, मैं आपको उसके क्वेश्चन करवाता था कि एग्जाम में उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो और फिर मैं आपको मतलब जहाँ पे भी आर्मी की भर्ती आई है, चाहे वो रिलेशन वाली हो या फिर चाहे वो ओपन वाली हो, तो मैं आपको अपने वीडियो में बताया करता था, है ना, बताता हूँ। और फिर जैसे कोई आर्मी की मतलब ग्रुप सी वैकेंसी आती है जिसमें हमें मतलब यूनिफॉर्म नहीं मिलती है आर्मी की, हम उसमें हम एक तरह से अपने आर्मी के साथ रह के हम वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो मैं आपको ऐसी वैकेंसी भी जो ग्रुप सी की वैकेंसी आती है आर्मी में वो मैं आपको बताया करता था। तो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है, मैं आपको इसे बताने वाला हूँ इंडियन आर्मी में हम मतलब ऑफिसर्स के, हम ऑफिसर बन के भी हम इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। जैसे कि हम आर्मी में जाते हैं, हम अपने एयरफोर्स में गए और नेवी में गए और नेवी में गए और एयरफोर्स में गए और आर्मी में, ठीक है। तो हम इस पर जाते हैं मतलब एज अ क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं हम इसमें नॉर्मल तरीके से जाते हैं, जैसे भर्तियाँ आती रिलेशन वाली या फिर ओपन वाली या फिर कोई सा ऑनलाइन फॉर्म आ गया तो हम उसको भर के जाते हैं ना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनडीए, ठीक है। एनडीए क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ एनडीए के बारे में, ठीक है। एनडीए मैं आपको इस वीडियो में उसकी पूरी जानकारी दूंगा, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एनडीए, एनडीए में क्या होता है, इसका नाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी इसका नाम है, फुल फॉर्म जो इसका है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सी उम्र के बच्चे मतलब जा सकते हैं। तो इसमें जाने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 16.5 से 19.5 तक, आपकी अगर इसके बीच में उम्र है, अगर आपका एज क्राइटेरिया इसके बीच में होता है तो आप इसमें फॉर्म भर के इसका एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आप इसका एग्जाम दे सकते हैं इसमें फॉर्म भर के। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि हम इसमें ऑफिसर बन के जाते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स, हमारे जो इंडिया के 3 फोर्सेस हैं जैसे आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई। तो इसमें क्या होता है कि समथिंग इसमें 400 है, मतलब क्या होता है लाइक नॉर्मल क्राइटेरिया लेके चल रहे हो कि इतनी वैकेंसी इसमें हर साल आती है, इसमें लगभग हर साल 400 वैकेंसीज आती हैं। इसमें क्या होता है कि अप्रॉक्सीमेट 200 के करीब आर्मी के पास होती है वैकेंसी, और फिर मतलब ऐसे ही जो बची हुई वैकेंसी है तो वो एयरफोर्स और नेवी के पास होती है एनडीए में, पर सबसे ज़्यादा देखिए आर्मी की होती है। और हाँ, ये एनडीए में देखिए क्या होता है, एनडीए के अंदर है ना, एनडीए के अंदर सबसे पहला होता है आर्मी, ठीक है, आर्मी हो गया है ना। फिर इसके बाद आप इसमें अगर आपको आर्मी में नहीं जाना तो आप जा सकते हैं एयरफोर्स में, ठीक है, आप एयरफोर्स में जा सकते हैं। और फिर इसमें होता है नेवी, नेवी होता है, और एक होता है एनए, इसको अपन बोलते हैं नेवल एकेडमी। इसमें मतलब ये 4 पोस्ट, इसमें मतलब ये 4 होते हैं जिसमें हम जा सकते हैं, जिसमें आपको आपका मतलब इसमें आपको इंटरेस्ट हो जिस भी फोर्स में तो आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। इसका जो पेपर होता है साल में 2 बार कराया जाता है, ठीक है। एक पेपर इसका आईडी नॉर्मली सितंबर में होता है और एक पेपर इसका होता है अप्रैल मई के बीच में होता है। वैसे क्या होता है, पेपर में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि जैसा कि
हमने देखा हो 2-3 साल पहले से, मतलब कोरोना की वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा इसके पेपर में चेंजमेंट हुआ है। वो चेंजमेंट ये हुआ है कि इसका पेपर मतलब सही टाइम पे नहीं हो पाया है। जैसे क्या होता है कि 6 महीने में इसका पेपर एक बार कराना होता है। और हाँ, ये जो NDA का एग्ज़ाम है, ये हमारा एक बोर्ड है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा बोर्ड है, ये हमारे NDA के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं। जैसे IAS हो गया, BCS हो गया, और ये ऑफिसर्स जो बनते हैं, तो उन्हीं एग्ज़ाम के तरह ही यही एग्ज़ाम है। तो ये भी एग्ज़ाम हम हमारे UPSC करवाते हैं, ठीक है। साल में 2 बार कराते हैं, इसमें आपको बता दिया है। और सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आता है सरकारी रिजल्ट पर, एक वेबसाइट सरकारी रिजल्ट, उसमें नोटिफिकेशन आता है। और फिर उसमें हमें अपना फॉर्म भरना पड़ता है, इंटरनेट वाले के पास जाना होता है, जो इसका मतलब कैफे होता है, जो ऑनलाइन करते हैं इसका, वहाँ पे हमें जाना होता है। तो वो हमारा फॉर्म भर देते हैं उनको बोलने से। फिर क्या होता है कि इसका जैसे पेपर होने वाला है, उसके एक महीने में नहीं 15-20 दिन मान लीजिए पहले इसका एडमिट कार्ड आता है UPSC बोर्ड की तरफ से। तो वो हमें एडमिट कार्ड लेके जाना होता है अपने एग्जाम में, एग्जाम बैठने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो एग्जाम होता है वो कि कैसा होता है। देखिए, हमें इसमें 2 पेपर देना होता है, ठीक है। एक होता है मैथ का, ठीक है, एक पेपर होता है सेपरेट, एक पेपर मैथ का होता है, और एक पेपर होता है GAT का, जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं उसको। हमारा जो मैथ का पेपर होता है वो होता है 300 नंबर का होता है, जो कि ये 2.5 घंटे का पेपर होता है। टाइमिंग की बात करें तो ये पेपर अपना होता है 10 बजे से लेकर 12:30 तक होता है ये पेपर हमारा सुबह के। और फिर हम बात करें अपना GAT का पेपर, तो वो हमारा होता है 600 नंबर का होता है, ठीक है। और वो हमारा पेपर होता है 2 बजे से 4:30 बजे तक होता है। टाइम ऐसा ही होता होगा, ये टाइम आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहता होगा टाइम, कौन से टाइम में पेपर होता है। टोटल ये 2 पेपर होते हैं। क्या होता है कि इस पेपर का कुछ क्राइटेरिया होता है। जो पहला मैथ वाला पेपर है उसमें आपको उतने परसेंट नंबर लेके आने होते हैं। अगर आपका उस क्राइटेरिया से नंबर कम आया है तो आपका ये पेपर चेक नहीं होगा, ऐसा मतलब उनका रूल होता है, ऐसा उनका रूल होता है वहाँ का UPSC हमें ऐसा मतलब बताते हैं कि रूल उनका ऐसा होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, टाइमिंग बता दी, पेपर बता दी, ये मैंने अभी कुछ शॉर्ट में बताया है। इसका पेपर क्या, जब भी इसकी वैकेंसी आएगी तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो मैंने भी शॉर्ट में आपको बता दिया है। और फिर मैं खुद इसके पेपर में 4 बार पेपर में इसका देख चुका हूँ NDA का। और मैं आपको बताता हूँ कि मेरा इसमें क्यों नहीं हो पाया। जो मैथ का पेपर है मेरा, मेरे इसमें जितना क्राइटेरिया होता है, जितने परसेंट नंबर चाहिए होते हैं, उतना मेरा मैं इसमें स्कोर नहीं कर पाता हूँ। इस वजह से मेरा ये पेपर चेक नहीं होता है। मैं कम से कम 4 बार NDA का पेपर दे चुका हूँ। क्या होता है कि मेरा ये पेपर तो मुझसे बन जाता है, जितना इसमें पासिंग क्राइटेरिया होता है वो तो मैं इसमें कर लेता हूँ, पर ये मैं पेपर मेरा चेक नहीं हो पाता इस पेपर की वजह से, क्योंकि मैं इसमें पास नहीं हो पाता हूँ। ये बोल सकते हैं कि जितना उन्होंने परसेंटेज मांगा है कि उतना परसेंट उनका होना चाहिए, उस हिसाब से नहीं हो पाता। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से सब्जेक्ट से बच्चे जो पढ़े हैं 12th उन्होंने पास किया है वो उसमें जा सकते हैं। देखिए, आर्मी के लिए आप चाहे 12th में आपने PCM लिया हो, PC भी लिया हो, आपने कॉमर्स लिया, आपने आर्ट्स लिया हो, उससे कुछ मतलब नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से पास हैं। हाँ, अगर आप देखिए, अगर आप अभी 12th में आप ईयरिंग हैं, मतलब आप अभी 12th में हैं, आप इस 12th में आए हैं, तो आप इसका पेपर दे सकते हैं, पर आपका जो एज क्राइटेरिया है वो इसके बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो आर्मी के लिए कोई फिक्स स्ट्रीम नहीं है कि आपको उसी स्ट्रीम से होना चाहिए, लेकिन पर एयरफोर्स, नेवी और NA के लिए, मतलब मुझे तीनों का भी क्लियर नहीं पता है, पर मैं नॉर्मली बता देता हूँ।
इसमें आपका होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th में, इसमें आपका टोटल जो होता है 60% आपका होना चाहिए 12th में, 60% के, ठीक है 60% आपका 12th में होना चाहिए। और आपको सब्जेक्ट होना चाहिए एयरफोर्स नेवी और ये नेवल एकेडमी के लिए PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको होना चाहिए, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। मैं तो आर्मी के लिए ही अप्लाई करता हूँ, मैंने मेरे सब्जेक्ट नहीं, इस वजह से मैं इन दिनों में कभी अप्लाई नहीं कर पाया। और देखिए जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है वो आर्मी में आती है, फिर एयरफोर्स में आती है, फिर नेवी में आती है, फिर सबसे कम वैकेंसी जो आती है नेवल एकेडमी में आती है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप आर्मी का ऑप्शन में टिक करें, हम अगर आर्मी को प्रीफर करते हैं तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है कम्पेयर टू एयरफोर्स नेवी और ये नेवल एकेडमी, ठीक है। अब जैसे आपने मान लीजिए आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, आपका नाम लिस्ट में आ गया, तो UPSC जो उसका रिजल्ट होता है वो उसमें मतलब जो बच्चे इसका एग्ज़ाम पास करते हैं तो वहाँ पे उसके उनके रोल नंबर लिखे हुए आते हैं, कम से कम 18 से 20 पेज की लिस्ट आती है उसमें, देखिए उसमें ऐसे मान लीजिए सपोज ये एक पेज है, यहाँ पे ऐसे 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 यहाँ पे सबके रोल नंबर लिखे होते हैं, वो आपको देखना पड़ता है आपके एडमिट कार्ड से, अगर आपका रोल नंबर यहाँ पे है इसका मतलब है कि आप अपने एग्जाम क्वालिफाई करें, कम से कम 18 से 20 पेज की ऐसे लिस्ट आती है, हमें स्क्रॉल करके देखना पड़ता है ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर आप SSB के लिए आपको जानना होता है, अगर आप वहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं SSB में, SSB आपका 5 दिन का होता है, अगर आप वहाँ पे कभी क्वालिफाई होते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, आप इसमें जा सकते हैं, ऐसा होता है NDA में। अभी तो मैंने ये शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया हो। अब जब भी इसका वैकेंसी आएगा तो मैं आपको इसका फुल एकदम डिटेल वीडियो बता दूंगा, क्योंकि मैंने भी इसके पेपर में 4 बार एग्जाम मैंने इसका दिया है NDA का। थैंक यू।